नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सरकारी स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक द्वारा छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने का मामला दर्ज। CNN न्यूज के द्वारा चलाया जा रहा अश्लीलता मुक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान का असर संपूर्ण भारत वर्ष पर पड़ रहा है। भारतीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी व जनप्रतिनिधियों का समर्थन से ही इस कार्य को सफलता मिल रही है और प्रशासन भी सख्ती से कार्यवाही कर पा रहा है। आज सोशल मीडिया संचार का सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है और तेजी से लोकप्रियता भी प्राप्त कर रहा है। सोशल मीडिया आपके विचारों, सूचना और समाचार इत्यादि को बहुत तेजी से एक दूसरे से साझा करने में मदद करता है। सोशल मीडिया जहां सकारात्मकता भूमिका अदा कर रहा है, वहीं कुछ लोग इसका गलत उपयोग भी करते हैं। ऐसा ही एक मामला पूर्व में कोरिया जिले के चिरमिनी थाना क्षेत्र में सामने आया था, जहां सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर सामाजिक छवि को धूमिल करने वाले युवती समेत दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और आज दूसरी बार छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारा अंतर्गत सरकारी स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक द्वारा छात्रा को अश्लील वीडियो दिखाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्र द्वारा इसकी शिकायत किए जाने के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक जिले के एक गांव में स्थित प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक शिव प्रसाद का आरोप है कि उसने मध्य अवकाश में मोबाइल फोन पर बच्चों को अश्लील फिल्म दिखाई थी। घर जाने पर छात्राओं ने अपने अभिभावकों से इस हरकत की जानकारी दी, जिससे वे आग बबूला हो गए और परिजनों ने शिक्षक की शिकायत मौजूद प्रधान पाठक से की। मामले को गंभीरता से लेते हुए शाला विकास प्रबंधन समिति के सदस्यों को बुलाकर इसकी जानकारी दी गई। तब शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों ने इस विषय पर असमर्थता जाहिर की। उसके बाद पूरे गांव वाले स्कूल परिसर में पहुंचकर नारेबाजी की एवं साथ ही जमकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ हल्ला करने लगे। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस स्कूल पहुंची और आरोपी शिक्षक शिव प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामले की कड़ाई से आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामला केस पंजीकृत कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए BNN न्यूज के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष के स्कूलों में पहुंचकर अश्लीलता मुक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान व समाज जागरूकता का संदेश देकर अपनी निगरानी पर रखने की पहल शुरू कर दी है, जिसका समर्थन स्कूलों के हेडमास्टर, प्राचार्य व उच्च कर्मचारी, अधिकारी व जनप्रतिनिधियों द्वारा मिल रहा है। BNN न्यूज मीडिया हाउस व परिवार संपूर्ण भारतवासियों का आभार व्यक्त करता है। BNN न्यूज अश्लीलता मुक्त भारत चाहता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।